इस आयोजन के माननीय अध्यक्ष जी, हमारा सम्मानित मंच, तमाम मीडिया बंधु, उपस्थित हमारी महिला बहनें और तमाम जितने भी बीजेपी के समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही दौर शुरू हो गया है और जिस तरीके की उपलब्धियों के साथ हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, उन उपलब्धियों को इस तरीके के सभाओं से बाहर निकालकर हर घर, हर नुक्कड़, हर गली में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए 9 साल पूर्व के जितने भी काम हैं, उन सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाना हम लोगों की जवाबदेही है, ताकि आने वाले 2024 में हम लोग एक अलग पहचान लेते हुए, एक अलग पहचान दिखाते हुए पूरे देश को पूरे विश्व में साबित करने की कोशिश करें। यही हम लोगों की, सभी लोगों की यहाँ पे कामना भी होगी, सभी लोगों की इच्छा भी होगी और सभी लोगों का यही सपना भी होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछले 18 तारीख को ही इस पार्टी में हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई है माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में। तो ये जो कार्यक्रम है अभी हम लोगों के लिए नए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ जितने भी लोग जदयू को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, हम लोग पूरे निष्ठा से, पूरे मन से यही प्रयास करेंगे कि हम लोग जहां भी हैं अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाहन करें। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत कल से हम लोगों ने की, जनसंपर्क वाला जो कार्यक्रम हम लोगों ने कल से शुरू किया, इस कार्यक्रम को 30 तारीख तक लेकर जाना है और माननीय पार्टी के जितने भी आदरणीय राष्ट्रीय प्रदेश के जितना भी नेतृत्व है, उन सभी लोगों के मार्गदर्शन में मैं काम करूंगी और आप सभी लोगों को आश्वासन दिलाऊंगी कि हम लोग अपनी पूरी भूमिका के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत शाहपुर विधानसभा के बिहिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर है। भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करते हुए योग को पूरे विश्व में मान्यता दिलाने की बात की थी और 2015 में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता मिली, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है, इतना भगवान भी नहीं कर सकते हैं। 9 वर्ष बेमिसाल रहा, गरीब कल्याण और जन विकास का कार्य का वर्ष रहा। 9 वर्षों में देश के सभी हिस्सों में विकास का कार्य हुआ है। गरीबों के लिए सारी योजनाएँ धरातल पर दिखाई दिया है, जो आज गरीबों के लिए कल्याणकारी घोषित हो रहा है। उन्होंने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी के प्रभाव इतना अधिक है कि देश की जनता उनको प्रधानमंत्री 2024 के लिए मान चुकी है और नीतीश कुमार बिहार में अपने गठबंधन को नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या खाक देश में गठबंधन कर पाएंगे। आज उन्हीं के गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और अभिजीत राम मांझी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे सभी पार्टियां नीतीश कुमार को अकेला छोड़ देगी। उन्होंने बिहार के विकास की बात करते हुए कहा कि बरौनी उर्वरक कारखाने को केंद्र सरकार ने फिर चालू की, लेकिन आज नीतीश कुमार ने बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगाने के काम किया है। बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार उनको रोजगार की चिंता कभी नहीं की। आरा के सांसद आर के सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहते हुए आज बिहार सहित पूरे देश में बिजली को घर घर तक पहुंचा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9 वर्ष बेमिसाल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, सभी के लिए काम किया है। चाहे वह आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाएं गरीबों को प्रभावित कर रहा है और देश की जनता इस प्रकार से खुश होते हुए 2024 में भी
भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को संकल्प ले चुकी है। जनसभा की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गाराज सिंह ने किया और संचालन जिला उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने की। मंचा सिंह, बढ़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, विधान पार्षद जीवन कुमार, पूर्व सांसद मीना सिंह, शाहपुर के पूर्व विधायक मुन्नी देवी, प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर, तरारी के प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी, पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, प्रेम रंजन चतुर्वेदी, लोकसभा प्रभारी विनोद सिंह, जिला प्रभारी टीएन सिंह ने भी संबोधित करते हुए 9 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। और स्वागत के अग्नि कड़ी में अरविंद जी, सुशील मोदी जी का, विनोद तावड़े जी का जिला अध्यक्ष, अब हमारे लोकप्रिय नेता सुशील मोदी जी का स्वागत राकेश ओझा जी कर रहे हैं, तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। देखिए आरा विधानसभा में उपस्थित